मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं देश भर के मौसम से जुड़े कुछ बड़े अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि देश भर में मानसून का दौर जारी है। इसी बीच कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी हो चुका है, कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो सकते हैं। वहीं राजस्थान के कुछ इलाके ऐसे भी है जहां बारिश का बेसब्री से लोगों को इंतजार है, वहाँ की फसलें अब सूखने के कगार पर है। चलिए जानते हैं आगे कैसा रहेगा देश भर का मौसम। तो आपको बता दें, मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में अगले 3 दिनों तक अच्छी बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में भी गरज चमक के साथ हल्की बारिश का दौर जारी रहा। वहीं विभाग ने बताया है कि इन सभी जगहों पर 23 और 24 जुलाई को मूसलाधार भारी बारिश होने की उम्मीद है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने बताया है कि 22 और 24 जुलाई तक पूर्वोत्तर राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी बारिश के आसार है। विभाग ने बताया है कि अगले 24 घंटों के बाद उत्तर पश्चिमी भारत में बारिश की थोड़ी सी कमी आ सकती है। हालांकि बिहार के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। और आपको बता दें, बिहार के कई जिलों में हो रही भारी बारिश की वजह से नदियों का जल स्तर बढ़ चुका है और बिहार के कई जगहों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो सकते हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में सबसे कम बारिश दर्ज की गई है। अभी भी लोगों को बारिश का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान के लिए 22 जुलाई को कोई भी चेतावनी जारी नहीं की है, यानी कि मौसम यहां लगभग साफ रहेगा। कुछ एक जगहों पर हल्की बारिश का दौर जरूर देखा जा सकता है, लेकिन 23 जुलाई को सावन की शुरुआत के साथ ही मानसून फिर से रफ्तार पकड़ेगा, जिसके बाद ही राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने पूरे राजस्थान में सावन के पहले सप्ताह में अच्छी बारिश की संभावना जताई है। वैसे आपको बता दें, मानसून ने अब की बार राजस्थान के किसानों को काफी मायूस किया है और इसी की वजह से राजस्थान में दलहन बुआई रुकवे पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। अब तक केवल 9 लाख हेक्टेयर में ही दालों की उपजों की बुआई हुई है। पूरे देश भर के मौसम पर एक नजर डाले तो मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के पूर्वी हिस्से, पश्चिमी बंगाल, गोवा, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर के साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश देखी जा सकती है और इस दौरान गुजरात के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम और कहीं कहीं पर भारी बारिश हो सकती है। हालांकि गुजरात के भी कई जिले ऐसे हैं जहां बारिश का बेसब्री से इंतजार है। मध्य प्रदेश के भी कई जिले ऐसे हैं जिनको अभी भी बारिश का इंतजार है और राजस्थान के अधिकतर जिलों को अभी भी भारी बारिश का इंतजार है। माना यह जा रहा है कि इन जिलों को भी 23 तारीख से बारिश मिलना शुरू हो जाएगी। सावन के पहले सप्ताह में मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान के अधिकतर जिलों में भारी बारिश की संभावना है। वैसे आप देश के कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो यही थी देश भर के मौसम को लेकर विशेष रिपोर्ट। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल सुबह वाले वीडियो में राजस्थान समेत देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी खबरों के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।